हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजीएस कलनरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस नाश्ता। जी हाँ, यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ कोथिंबीर वड़ी, जो हर हलवाई की दुकान पर सुबह सुबह मिल जाती है। बेसिकली इसे फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही हेल्दी वर्जन के साथ बनाने वाली हूँ। खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोथिंबीर क्या है। तो कोथिंबीर जो है वो धनिया होती है। धनिया को महाराष्ट्र में कोथिंबीर कहा जाता है। तो कोथिंबीर बड़ी यानी धनिया की बड़ी यहाँ पर बनाने वाले हैं हम। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है, और यहाँ पर रोस्टेड पीनट को क्रश करके लिया है, 1 कप दही लिया है, और यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट लिया है। और कलर के लिए यहाँ पर मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, और टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने हींग लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर और पानी के साथ में इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल बहुत पतला तैयार नहीं करना है हमें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से इतना ही पतला हमें घोल रखना है, और हमने ये बनाकर 1 पार्ट डन कर लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। रिटेन इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए आपको चैनल पर आगे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तड़का बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और मैंने यहाँ पर ऑयल में राई डाली है। राई यहाँ पर अच्छे से तड़कने लगी है, और मैंने यहाँ पर चॉप ग्रीन चिली डाली है। ग्रीन चिली इसलिए डाली है, तो रेड चिली मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं होने पाए। यहाँ पर मैंने ग्रेट करके गार्लिक और जिंजर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। कोथिंबीर वड़ी बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं डाली हैं, जैसे शुगर ऐड नहीं करी है। अनियन ऑलमोस्ट लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर मैंने डाली है। अनियन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चॉप्ड अनियन डाली है, और अब मैं इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सौते कर ली हैं, और अब हम यहाँ पर पाउडर स्पाइसेस डालेंगे। तो पाउडर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी हम बटर में डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे। और हल्दी के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाले पाउडर डाला है। सारे स्पाइसेस को अच्छे से सौते करके अब हम यहाँ पर जो हमने कोथिंबीर काट के ली थी, धनिया काट के ली हुई है यहाँ पर। तो जो धनिया है वो हम यहाँ 2 पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 धनिया ऐड करी है। मसाले के साथ में हमने कोथिंबीर को अच्छे से कुक कर लिया है, उसमें हमने पानी डाला है। अब सारे मसाले को मिक्स करने के बाद में जो बैटर बना के लिया था, वो बैटर हम इसमें पोर कर देंगे। बैटर पोर करने के बाद में हमें इसे तुरंत ही चलाना शुरू करना है, क्योंकि बेसन है ये, जल्दी थिक होने लगता है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है। बैटर हमारा यहाँ पर धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो कोथिंबीर बचा कर रखी थी, धनिया को जो बचा कर रखा था, अब मैं वो डाल रही हूँ। तो धनिया को डाल के हमें यहाँ पर अच्छे से स्टिर करना है, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें धीमी आंच पे ही कुक करना है। हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, नहीं तो बैटर हमारा जल जाएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हाथ में ज़रूर दर्द होता है इसे चलाते हुए, बट बहुत ही टेस्टी बनती है कोथिंबीर वड़ी। इसे पकाते हुए मुझे करीब 5 मिनट हो चुके हैं। तो 5 मिनट में ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो समेट के सब एक साइड में आ गया है। और इसी तरीके से ये अभी और पकेगा, और करीब 4 से 5 मिनट और पकेगा। उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा बर्फ़ी जैसे जमाते हैं वैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका, और ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा। कोथिंबीर वड़ी का जो मिक्सचर है वो हमारा यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई छोड़ दिया है, जो मटेरियल था वो सारा कढ़ाई छोड़ चुका है। और ये अब बेसन बहुत जल्दी जम जाता है, तो अब हम इसे एक कोई भी थाली ले लें या प्लेट ले लें। यहाँ पर मैंने ये जो बर्फ़ी जमाने वाली किश्ती होती है वो ली है। इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस करने के बाद में इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर मैं निकाल दूँगी। ट्रे को ग्रीस करने के बाद में सारा जो हमारा मिक्सचर है वो सारा मैंने इस तरीके से ट्रे में अच्छे से निकाल दिया है, और इसे मैं चारों तरफ से पूरा ट्रे के बराबर में सेट कर लूँगी। बिल्कुल ये एक जैसे बर्फ़ी जमाई जाती है वैसे हमें इसे जमाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर था उसको ट्रे में काफ़ी अच्छे से सेट कर लिया है, और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा करने के बाद ये अच्छे से जम जाएगा। जमने के बाद में मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो कोथिंबीर वड़ी है उसका मिक्सचर बनकर बिल्कुल सेटिंग के लिए तैयार है। तो अब मैं इसे रख दूँगी करीब 1.5 से 1.25 घंटे के लिए। 1/2 घंटे हो चुके हैं, और मैंने ट्रे को उठाया तो देखा, मैंने इसे AC के रूम में लिया था, तो यह बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया।
तो यहाँ पर इस तरीके से इसे स्क्वायर्स में मैं कट कर लूँगी। आप इसे अगर राउंड में कट करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक ढक्कन ले लीजिए, कोई भी कटर ले लीजिए, उससे आप इसको शेप देकर कट कर सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर्स में अच्छी लगती है और हलवाई की शॉप पर बिल्कुल ऐसी ही मिलती है, तो मैं ठीक उसी टेक्सचर का बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली और ये जो इसकी थिकनेस है बड़ी की वो कितनी अच्छी आई है। इतनी थिकनेस कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा पतली कर देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको सारी कटिंग कर ली है। वैसे तो ये इसी तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो इसे खाया बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरे घर पे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसे फ्राई नहीं करना है, नॉर्मली हलवाई की शॉप पे इसे फ्राई करके ही सेल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे ग्रिल करने वाली हूँ। तो ग्रिल करने के लिए मैंने ग्रिलर ले लिया है और उसके बाद में मैंने इसे ऑयल ब्रश कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगेगा और जितनी कोथिंबीर वड़ी थी वो सारी मैं यहाँ पर इस तरीके से बिछा दूँगी। सारी कोथिंबीर वड़ी को मैंने यहाँ ग्रिलर पैन पर रख दिया है। ग्रिलर पैन पर रखने के बाद में इसे मैं अच्छे से पलट के भी पका लूँगी। तो पलट के भी पकाने से ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और हमें इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक का कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारी कोथिंबीर वड़ी का। इसी तरीके से ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसे कुक कर लिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं हेल्दी कोथिंबीर वड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और यहाँ पे फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में ही खाई जाती है। तो तैयार है हमारी यहाँ पर महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल कोथिंबीर वड़ी, हलवाई की दुकान पर मिलने वाली, एकदम उसी तरीके से दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको हेल्दी कोथिंबीर वड़ी की रेसिपी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके से मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ, नया नया वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।